हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओकेकार 24/7। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर के महीने में 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। आपने ओकेकार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कारों से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। ट्वेंटी फिफ्थ पोजीशन पर आई है होंडा की अमेज। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 4709 यूनिट बिकी हैं। पिछले महीने सितंबर में ये गाड़ी 21 पोजीशन पर थी। पिछले महीने इस गाड़ी की 5416 यूनिट्स बिकी थी। होंडा अमेज आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट्स में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 18.3 टू 24.7 की एमपीएल का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 6,19,000 रुपये से शुरू होकर के 10,01,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 6,95,000 रुपये से शुरू होती है। 24th पोजीशन पर आई है महिंद्रा XUV 300। महिंद्रा XUV 300 के अक्टूबर के महीने में 4,882 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी टॉप 25 की लिस्ट से बाहर थी। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 17 टू 20 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 7,95,000 रुपये से शुरू होकर के 12,30,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,99,000 रुपये से शुरू होती है। 23rd पोजीशन पर आई है रेनो की ट्राइबर। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 5,272 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने भी ये गाड़ी 23 पोजीशन पर ही थी। पिछले महीने इस गाड़ी की 4,159 यूनिट्स बिकी थी। रेनो ट्राइबर केवल पेट्रोल वेरिएंट मिलती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 18.29 टू 19 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,12,000 रुपये से शुरू होकर के 7,35,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,74,000 रुपये से शुरू होती है। रेनो कंपनी ने अभी कुछ ही दिन पहले इस गाड़ी के प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दिए हैं। 22 पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 5,371 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने भी ये गाड़ी 22 पोजीशन पर ही थी। पिछले महीने इस गाड़ी की 4,513 यूनिट्स बिकी थी। रेनो क्विड पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 22 टू 25 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 3,08,000 रुपये से शुरू होकर के 5,21,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 3,42,000 रुपये से शुरू होती है। 21 पोजीशन पर आई है Hyundai की ऑरा। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 5,577 यूनिट्स बिकी हैं। इससे पहले सितंबर में ये गाड़ी 25th पोजीशन पर थी 3,882 यूनिट्स के साथ। इसने अपनी पोजीशन काफ़ी इंक्रीज की है। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल, CNG तीनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 20 टू 28 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,86,000 रुपये से शुरू होकर के 9,29,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 6,54,000 रुपये से शुरू होती है। 28th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 6,083 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी 17 पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी की 6,080 यूनिट्स बिकी थी। टाटा टियागो केवल पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 19.8 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 4,70,000 रुपये से शुरू होकर के 6,74,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,28,000 रुपये से शुरू होती है। 19 पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 6,730 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने यानी सितंबर में भी ये गाड़ी 19th पोजीशन पर ही थी। सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 5,952 यूनिट्स बिकी थी। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.05 टू 25.11 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,44,000 रुपये से शुरू होकर के 9,09,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 6,04,000 रुपये से शुरू होती है। 18 पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 6,888 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने यानी सितंबर में भी ये गाड़ी 18th पोजीशन पर ही थी। सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 6,007 यूनिट बिकी थी। टाटा नेक्सॉन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 16 टू 22.4 KMPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 7,00,000 रुपये से शुरू होकर के 12,70,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 7,89,000 रुपये से शुरू होती है। 17 पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो। मारुति सेलेरियो की अक्टूबर के महीने में 7,574 यूनिट बिकी हैं। इससे पहले सितंबर के महीने में ये 16 पोजीशन पर थी 7,250 यूनिट्स के साथ। मारुति सेलेरियो पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 21.63 टू 30.47 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है।
दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 4,46,000 रुपए से शुरू होती है और 5,72,000 रुपए तक जाती है। दिल्ली ऑन रोड प्राइस 4,81,000 रुपए से शुरू होती है। 16 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बुलेरो। महिंद्रा बुलेरो की अक्टूबर के महीने में 7,624 यूनिट्स बिकी हैं। इससे पहले सितंबर के महीने में ये 20 पोजीशन पर थी 5,797 यूनिट्स के साथ। केवल डीजल वेरिएंट में मिलती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसका बेस वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है। 7,64,000 रुपए से एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है और 9,01,000 रुपए तक जाती है। 15 पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा। अक्टूबर में इस गाड़ी की 7,748 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर में गाड़ी 9th पोजीशन पर थी, जो कि अब खिसक करके 15th पोजीशन पर आ गई है। सितंबर में इस गाड़ी के 9,982 यूनिट्स बिके थे। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.992 26.2 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,59,000 रुपए से शुरू होकर के 10,13,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,52,000 रुपए से शुरू होती है। 14th पोजीशन पर आई है Hyundai Elite i20। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 8,399 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी 10th पोजीशन पर थी, जिसकी 9,852 यूनिट्स बिकी थी। इलीट i20 फिलहाल जो पुरानी वाली है उसको डिसकंटिन्यू किया जा चुका है और ये यूनिट्स भी उसी की हैं। केवल पेट्रोल वेरिएंट में मिल रही थी। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा रहा था और 6,57,000 से शुरू होकर के 8,33,000 तक एक्स शोरूम प्राइस जा रही थी और ऑन रोड प्राइस 7,51,000 रुपए तक जा रही थी। और अब इसका आज नया वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। इसको आप थर्ड जनरेशन i20 कह सकते हैं, जिसकी कीमत का खुलासा आज लॉन्च होने के बाद होगा। और इसके बाद जो भी यूनिट्स आएंगी वो उसी गाड़ी की आएंगी, क्योंकि इसको अब डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। 13 पोजीशन पर आई है Hyundai की वेन्यू। अक्टूबर में इस गाड़ी की 8,828 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर में ये गाड़ी 15 पोजीशन पर थी 8,469 यूनिट्स के साथ। Hyundai Venue आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17.52 टू 23.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। हाल ही में इसकी प्राइजेस थोड़ी थोड़ी बढ़ाई गई हैं, तो दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,76,000 रुपए से शुरू होकर के 11,66,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 7,71,000 रुपए से शुरू होती है। 12th पोजीशन पर आई है किया सेल्टॉस। अक्टूबर में इस गाड़ी की 8,900 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी सितंबर के महीने में 13 पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी की 9,079 यूनिट बिकी थी। किया सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 16.1 टू 21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 9,89,000 रुपए से शुरू होती है और 17,54,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 11,07,000 रुपए से शुरू होती है। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो। अक्टूबर में इस गाड़ी की 10,612 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में एस्प्रेसो 14th पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी की 9,000 यूनिट्स बिकी थी। एस्प्रेसो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिलती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के साथ। 21.53 टू 31.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 3,71,000 रुपए से शुरू होती है और 5,14,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 4,09,000 रुपए से शुरू होती है। 10th पोजीशन पर आई है किया सोनेट। अक्टूबर में इस गाड़ी की 11,721 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने सितंबर में ये 11th पोजीशन पर थी 9,266 यूनिट्स के साथ। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 18.2 टू 24.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,72,000 रुपए से शुरू होकर के 12,99,000 रुपए तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 7,55,000 रुपए से शुरू होती है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। इस गाड़ी की अक्टूबर के महीने में 12,087 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में गाड़ी 12th पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी के 9,153 यूनिट्स बिके थे। केवल पेट्रोल में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17.03 टू 18.76 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,34,000 से शुरू होकर के 11,41,000 रुपए तक जाती है। दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,26,000 रुपए से शुरू होती है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति ईको। अक्टूबर में इस गाड़ी की 13,309 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी 7th पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी की 11,220 यूनिट्स बिकी थी। पेट्रोल और सीएनजी में मिलती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.11 टू 30.47 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 3,82,000 से शुरू होती है और 4,96,000 रुपए तक जाती है
और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 4,30,000 रुपये से शुरू होती है। सेवन पोजीशन पर आई है Hyundai की Grand i10। अक्टूबर में इस गाड़ी की 14,003 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी 8th पोजीशन पर थी 10,385 यूनिट्स के साथ। ये गाड़ी पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों ही वेरियंट्स में मिल जाती है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ 20-25 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,13,000 से शुरू होती है और 8,36,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,76,000 रुपये से शुरू होती है। सिक्स पोजीशन पर आई है Hyundai की क्रेटा। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 14,023 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने सितंबर में भी ये गाड़ी सिक्स पोजीशन पर ही थी 12,325 यूनिट्स के साथ। पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट्स में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 17-21 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। हाल ही में इसका बेस वेरियंट पेट्रोल में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे सेल्टॉस से भी सस्ती हो गई है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 9,82,000 रुपये से शुरू होती है और 17,33,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 11,12,000 रुपये से शुरू होती है। फिफ्थ पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। अक्टूबर में इस गाड़ी की 17,675 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में भी ये गाड़ी फिफ्थ पोजीशन पर ही थी 13,988 यूनिट्स के साथ। डिजायर केवल पेट्रोल में मिलती है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 23.26-24.12 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,89,000 रुपये से शुरू होकर के 8,81,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 6,48,000 रुपये से शुरू होती है। फोर्थ पोजीशन पर आई है मारुति ऑल्टो। अक्टूबर में इस गाड़ी की 17,850 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर के महीने में ये गाड़ी थर्ड पोजीशन पर थी, जो कि खिसक करके फोर्थ पर आ गई है। सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 18,246 यूनिट्स बिकी थी। ऑल्टो पेट्रोल और CNG में मिलती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 22.05-31.59 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 3,00,000 रुपये से शुरू होती है और 4,37,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 3,27,000 रुपये से शुरू होती है। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति वैगनार। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 18,703 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने सितंबर में ये गाड़ी फोर्थ पोजीशन पर थी 17,581 यूनिट्स के साथ। पेट्रोल और CNG मिल जाती है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 20.52-32.52 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 4,51,000 रुपये से शुरू होकर के 6,00,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 4,90,000 रुपये से शुरू होती है। इस महीने भी सितंबर की तरह ही सेकेंड हाइएस्ट सेलिंग कार है मारुति नेक्सा बलेनो। अक्टूबर में इस गाड़ी की 21,971 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि सितंबर में इस गाड़ी की 19,433 यूनिट्स बिकी थी। केवल पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 19.56-21.96 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,70,000 रुपये से शुरू होकर के 9,03,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 6,19,000 रुपये से शुरू होती है। पिछले कई महीनों की तरह इस महीने भी नंबर वन पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस गाड़ी की अक्टूबर के महीने में 24,589 यूनिट्स बिकी हैं। सितंबर में भी ये गाड़ी नंबर वन पोजीशन पर थी 22,643 यूनिट्स के साथ। केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 1,197 सीसी का पेट्रोल इंजन 21.21 KMPL का माइलेज देता है। दिल्ली एक्सशोरूम प्राइस 5,19,000 रुपये से शुरू होकर के 8,02,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 5,69,000 रुपये से शुरू होती है। तो ये थी अक्टूबर महीने की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार। इससे पहले हम आपके लिए टॉप 15 बेस्ट सेलिंग SUVs का वीडियो बना चुके हैं, कॉम्पैक्ट SUVs का वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद हम आपके लिए हैचबैक सेडान का वीडियो भी लेकर के आएंगे। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए आपको आवाज़ में कोई दिक्कत लगी होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका खास ध्यान रखूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।